हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। एस यू नो माई हूँ हनी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नहाने के टाइम पे स्किन को क्लीन कैसे करना है और स्किन को कैसे गोरा करना है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हम नहाना है तो साबुन से लगाते हैं और नहाने के टाइम पे थोड़ा बहुत DIY होम रेमेडी को ऐड करने से ना अपना बॉडी जो है फुल्ली वाइटनिंग होगा, बॉडी के धूल मिट्टी डस्ट टैन जो भी है वो भी हटाएगा और स्किन को क्लिस्टर क्लियर कर देगा इन उसका। तो चलिए फ्रेंड्स, उस रेमेडी क्या है और रेमेडी को देखने के पहले ना, अभी तक अगर आपको भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो, स्किन केयर मेकअप केयर या हॉल वीडियो, आपका रिक्वेस्टेड वीडियो ताकि कोई भी हो, आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका रिक्वेस्टेड वीडियो को मैं 2 से 3 दिन के अंदर बना देती हूँ और वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का नाम भी मेंशन करती हूँ। इसके लिए आप लोग हमेशा मेरा चैनल को फॉलो कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। अभी इस रेमेडी के लिए ना हमें लेना चाहिए एक क्लीन बाउल। क्लीन बाउल में हमें ऐड करना है कॉफ़ी पाउडर। मैं यहाँ पे एक कम्प्लीट 2 रुपीस का ब्रू कॉफ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर का कॉफ़ी जो भी कॉफ़ी इस्तेमाल करती हो आप उस कॉफ़ी को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। इस कॉफ़ी पाउडर में हमें ऐड करना चाहिए शहद हनी। आप हनी इसमें 1 चम्मच हनी ऐड करना है, क्योंकि हनी एंटी बैक्टीरियल है। आप नहाने के टाइम पे इस कॉफ़ी का पैक को आप इस्तेमाल करोगी ना, स्किन पे डस्ट टैन जो भी है सब अच्छे से निकल जाएगा और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाती है। और इसमें हमें ऐड करना है नारियल की तेल। नारियल की तेल इसमें ऐड करके मिक्स कर लेना है। याद रखिए फ्रेंड, इसमें पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिए, खाली नारियल की तेल ऐड करके इसको यूज़ कीजिए। नारियल की तेल यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 स्पून। आप इसको नारियल की तेल ऐड करके मिक्स कीजिए। ये बनाना बहुत सिंपल है। आप इसको आपका शावर करने के टाइम पे, नहाने के टाइम पे इसको इस्तेमाल करना है। ये दो चीज़ को आप अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। आप इसको फेस पे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। आप पूरा ऑल ओवर बॉडी को भी अप्लाई कीजिए, इससे विजिबल डिफरेंस दिखेगा और स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा। अभी ये बन चुका है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हो, बॉडी के जहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैं कॉफ़ी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। एक कॉफ़ी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देती है। स्किन के ऊपर टैन हो, पिगमेंटेशन चाहे कोई भी हो, सबको हटा देती है। कॉफ़ी से स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, स्किन भी टाइटन ब्राइटन होगा। अगर आप स्किन को टाइटन ब्राइटन करना चाहती हो, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना चाहती हो, इस कॉफ़ी पैक को ऑल ओवर फेस और बॉडी के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके आप इसको स्क्रब भी कर सकती हो, चाहे फेस पैक जैसा अप्लाई करके छोड़ भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे कीजिए। इसे चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। ड्राई होने के बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश करके आप शावर कीजिए। ऐसा नहाने के टाइम पे इस तरह इसको इस्तेमाल, कॉफ़ी को इस्तेमाल करने से सारे डस्ट टैन जो है सब निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पानी ऐड नहीं किया है तो कोकोनट ऑयल थोड़ा ऑयली रहता है। ये पैक अप्लाई करने के बाद शावर करने से ना स्किन स्मूथ होगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल इसमें नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये अपना स्किन को स्मूथ सॉफ्ट कर देता है। हनी है, हनी को स्किन शेड को ब्राइट करता है, स्किन का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपका स्किन को टाइटन ब्राइटन करना चाहती हो, स्किन शेड को इम्प्रूव करना चाहती हो, तो कंपलसरी हनी को अपने स्किन केयर में ऐड कीजिए। इससे विजिबल डिफरेंस दिखेगा और स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा। अप्लाई करने के बाद वॉश कीजिए। ऐसा हर रोज़ नहाने के टाइम पे इसको डायरेक्टली आप आपका शावर के टाइम पे यूज़ करने से स्किन इम्प्रूव होगा, स्किन टोन और स्किन भी टाइटन ब्राइटन होगा। ये फुल बॉडी वाइटनिंग की जैसा भी काम करता है। आप इसको बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी इस रेमेडी अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट है, डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करने से उसका आंसर मैं जरूर देती हूँ। फिर मिलती मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक कीजिए।